Hi everyone, welcome to yet another episode of Thoughts on Education with College Duniya. Today we have Dr. Himanshu Arora, Principal, Arya Institute of Engineering and Technology. Hi sir. Namaskar sir, I am Dr. Himanshu Arora, Principal, Arya Institute of Engineering and Technology. And thank you to give the opportunity to present ourselves in front of you. Thank you so much. Thank you. सर इनिशियली मैं आपसे एक छोटा सा ब्रीफ चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए आपकी प्रोफाइल का। सर मैं कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट हूँ, मैंने पहले इंजीनियरिंग किया, देन मास्टर्स किया, उससे पहले गेट क्लियर किया एंड मास्टर्स के बाद मैंने डॉक्टरेट किया कंप्यूटर साइंस में। मेरे मोर देन 60 रिसर्च पेपर्स हैं जो डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश है, जिसमें से IEEE, Springer, Scopus सभी जर्नल्स में पब्लिश है, कॉन्फ्रेंसेज में पब्लिश है और मेरे 3 पेटेंट हैं। तो रिसर्च को मैं बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ और मेरा पैशन है टीचिंग, मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है। दैट्स ग्रेट सर। सर आप काफ़ी टाइम से एजुकेशन सेक्टर में हैं, वो की इसके की फैक्टर्स क्या हैं जो आपको एसोसिएटेड रखते हैं? सर की फैक्टर्स ये हैं कि मैं ये मानता हूँ किसी भी पेरेंट्स की सक्सेस उसके बच्चों की सक्सेस से जुड़ी होती है। आज की तारीख में जब फर्स्ट ईयर में बच्चा हमारे पास आता है तो 4 साल हमारे साथ रहता है, जब फाइनली उसका प्लेसमेंट होता है तो जो उसके चेहरे पे खुशी होती है, जो उसके पेरेंट्स जब उसको ज्वाइन कराते हैं, जो उनको बेटर लगता है, वो एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है। एज ए टीचर मुझे इससे बड़ा कोई बेकार रिस्पेक्ट नहीं लगता। एंड सेकेंड वन, जब मैं देखता हूँ हमारी लेबोरेटरीज के अंदर बच्चे रिसर्च करते हैं, हमारे स्टूडेंट ने बायोनिक हैंड बनाया, बहुत सारे रोबोट्स बनाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जो सोसाइटी को हेल्प करती हैं, तो ये लगता है कि दिस इज़ द राइट वे। और सबसे अच्छी बात है जब हम मॉर्निंग में कॉलेज आते हैं, यंग फेसेस को देखते हैं, तो हमें भी लगता है कि इससे अच्छा एनवायरनमेंट कहाँ मिल सकता है। तो सर बहुत सही बात है। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आज हम स्टूडेंट्स को ग्लोबल कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं आर्या ग्रुप के स्टूडेंट्स को, जिससे वो एक ग्लोबल कंपटीशन में अपना नाम रोशन कर पाए? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि आज की तारीख में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 12th का जब स्टूडेंट कॉलेज में आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए। उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट डेवलपमेंट सेल स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम उसको न्यूज़पेपर रीडिंग, कम्युनिकेशन से रिलेटेड अदर सेशंस को प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और उसकी जो हिच है वो खत्म हो, उसका एक कॉन्फिडेंस बना रहे। उसके बाद सेकेंड ईयर के अंदर हम बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं जो इंडस्ट्री और एकेडमिया की गैप को फुलफिल करता है और बच्चा टेक्निकली साउंड होता है। थर्ड ईयर में हम कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करते हैं, जिसके अंदर जो इंडस्ट्री के अंदर जनरली क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, चाहे इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व कराते हैं। वो एप्टीट्यूड हो गया, टेक्निकल हो गया, ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन कराते हैं। उसके अलावा हम HR इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कराते हैं, जिससे फाइनली स्टूडेंट जब रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में बैठता है तो उसका सक्सेस रेशियो बहुत इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा हम बहुत सारे अदर एक्टिविटीज कराते रहते हैं टाइम टू टाइम, हम हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स कराते रहते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स कराते रहते हैं, इंडस्ट्रियल एकेडमी टूर्स कराते रहते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स जिसकी तरह, और बहुत सारे अदर इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं जिससे स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो और वो फाइनल एक ऐसा प्रोडक्ट बन के निकले जो सोसाइटी को, इंडस्ट्री को 100% यूटिलाइज हो सके, हेल्प कर सके। दैट्स ग्रेट सर। सर आपके अकॉर्डिंगली क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए आने वाले कुछ सालों के लिए इंस्टीट्यूट की, जिससे हम बेटर और बेटर परफॉर्म कर सकें? सर देखिए, अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, में से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लैब्स को, अपने इंफ्रा को वर्ल्ड क्लास बनाएं। आज भी हमारे पास बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, आप देखिए हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, PCB मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, मटेरियल टेस्टिंग है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो इतनी सारी लैब्स हमारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आज भी है, पर हम चाहते हैं इसको और इंक्रीज करना, हमारी जो मैक्सिमम लैब्स है वो इस तरह से हो कि उनमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो, स्टेट ऑफ द आर्ट हो, इससे स्टूडेंट को मैक्सिमम प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सके। उसके अलावा हम बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स चला रहे हैं, MSME का इंक्यूबेशन सेंटर है। हम जो भी करें आगे वो प्रैक्टिकल नॉलेज को एनहेंस करने के लिए करें, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है।
सेकेंड वन हम चाहते हैं कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो वर्ल्ड से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से स्टूडेंट इंडिया आए जयपुर आए क्योंकि बहुत प्रेफरेबल प्लेस है क्लाइमेट के हिसाब से भी और हर तरह से तो और हमारे स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिले ज्यादा से ज्यादा आउट ऑफ अभी भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है बट मैं इसको और एक्सटेंड करना चाहूंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कुछ एक्रीडिशन प्रोसेस है उनको हम और अपडेट करें जिससे कि कॉलेज को कॉलेज के स्टूडेंट को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। सर आप बीइंग अ प्रिंसिपल हाउ डू यू एस्टैब्लिश अ हेल्दी कनेक्शन बिटवीन योर स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी टीम। सर बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। कल की न्यूज में आपने देखा होगा बड़ा बुरा न्यूज थी कि कोटा में 3 स्टूडेंट ने सुसाइड किया और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आज के सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में एक हेल्थी रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए। हमने इसके लिए बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स लिए हुए हैं। हमने फर्स्ट वन मेंटर्स एस्टेब्लिश किए हुए हैं हर 20 स्टूडेंट्स पे जिनका मेन फोकस यही रहता है कि वो डे टू डे एक्टिविटी के स्टूडेंट्स को मॉनिटर करें क्योंकि एक ही एंड पे एज ए प्रिंसिपल आप इतने स्टूडेंट्स को मॉनिटर नहीं कर सकते। तो मेंटर मेंटी सिस्टम है जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स को मॉनिटर करते हैं मेंटर और हम मेंटर्स को बोलते हैं फ्रेंड फिलोसफर गाइड है वो बच्चे के और वो उनका मेन रोल ये है कि वो पेरेंट्स को टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते हैं उनकी अटेंडेंस को लेकर उनके मार्क्स को लेकर अदर एक्टिविटीज को लेकर। उसके अलावा हमने एलुमनाई मीट्स कराते रहते हैं क्योंकि आज का जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर्स से भी ज़्यादा अपने सीनियर्स को फॉलो करने में बिलीव करता है तो बहुत सारे हम ऐसे एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। आपके आने से पहले भी मेरे पास एक बच्ची का फ़ोन आया था वो सैटरडे को आ रही है वो अपना एक्सपर्टाइज अपने जूनियर्स के साथ डिस्कस करना चाहती है। इस तरह के बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं जिससे बच्चों को हमारा इंडस्ट्री इंटरेक्शन सेल है EDC सेल है और हम बच्चे को यही कहते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह के तो 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले आप आए प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और उन्हें हम टाइमली रिजॉल्व करते जिससे कि बच्चे हमसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं। सर ये काफ़ी अच्छे स्टेप्स हैं आपके ओर से बच्चों को गाइड करने के। सर एक आपसे पीस ऑफ एडवाइस चाहूँगा आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। सर सबसे ज़्यादा मेरी जो एडवाइस है मेरी भी कि हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं जहाँ जाओ वहाँ छा जाओ और 4 साल की मेहनत है आगे 40 साल की लाइफ बहुत सिक्योर बहुत सेफ और बहुत इंजॉयफुल है। तो मैं तो ये कहूँगा थोड़ा सा सिंसियर रहे और वही बात फिर है पेरेंट्स की सक्सेस बच्चों की सक्सेस से जुड़ी है तो बच्चों को भी ये समझना चाहिए स्टूडेंट्स को भी ये समझना चाहिए अपने टीचर्स के लिए अपने पेरेंट्स के लिए अपना 100% सिंसियरिटी सीरियसनेस के साथ अपना वर्क करें और मोबाइल से थोड़ी सी डिस्टेंस बनाएं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है आजकल। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी को समझें जो भी मैक्सिमम अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं अच्छी डायरेक्शन में लगाएं को करिकुलर एक्टिविटीज में जाएं उससे भी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। ये सब बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स हैं लेकिन कहीं जाके ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में आपके करियर को बनाने में। बिल्कुल सर थैंक यू आपके अवेलेबल टाइम के लिए एंड थैंक यू। आपकी कॉलेज दुनिया का आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ क्योंकि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे यूथ से कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू सो मच सर।